महामहिम राज्यपाल देवव्रत जी आचार्य हस्ते एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सूरत चेप्टर नु उद्घाटन थयु छे। गांधी शांति पुरस्कार एनायत एकल अभियान ट्रस्ट अंतर्गत एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ना सूरत चेप्टर नु उद्घाटन आज महाराजा अग्रसेन भवन सिटीलाइट सूरत खाते गुजरात ना महामहिम राज्यपाल देवव्रत आचार्य हस्ते करवामां आव्युं हतुं। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन एकल अभियान ट्रस्ट जे बहुमुखी योजनाओं द्वारा देश ना वनवासी सर्वांगी विकास माटे प्रयत्नशील छे। वन बंधु परिषद देश जंगलों में वसता गामड़ाओं में 1,00,000 वधु एकल शालाओं चलावती संस्था अने 75,000 थी वधु संस्कार शिक्षा केन्द्रों चलावती एकल श्री हरि छेल्ला 26 वर्षों थी सूरत शहर में एक चेप्टर धरावे छे। सूरत देश ना प्रथम चेप्टर तरीके उद्घाटन थयु छे। एकल ध्यान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने वाले हमारे मीडिया जगत के प्रतिनिधि आप सभी का सूरत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोग गांव में रहे, रोजगार के लिए उनको शहरों में नहीं आना पड़े। जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे आज से लगभग 40 साल पहले, तो ये बोलते थे कि भारत की जनसंख्या 80% गांव में निवास करती है और 20% शहरों में। लेकिन ये अभी आंकड़ा है वो चेंज हो गया है, 30% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 70% गांव में। केवल 10% का अंतर आने से धरती प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। आज जो गांवों से शहरों में आए हैं, तो शहरों में जो आए हैं वो नरकीय जीवन बिता रहे हैं और शहरों की समस्या बढ़ गई है और गाँव खाली हो रहे हैं, उनको वहां रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एकल अभियान ने सोचा है कि हम गांव के लोगों का पलायन को रोकेंगे, गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, उनको गांव के लोगों को गांव में स्किल मिले, वो पार्टनर के साथ गांव में ढूंढे, शहरों में नहीं जाना पड़े। इसके लिए एकल ग्रामोत्थान योजना शुरू ही, उसमें जो भी संभव हो पाता है एकल अभियान को अपने सीमित साधनों से वो अपन एकल ग्रामोत्थान उसकी कोशिश करता है। उनको जैविक खेती की ट्रेनिंग देना हो, कंप्यूटर सिखाना हो, महिलाओं को सिलाई मशीन सिखाना हो, बाकी कोई भी कुटीर उद्योग उनको सिखाने के लिए बिल्कुल प्रयास करते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव का लोग गांव में रहे और उनको शहरों में नहीं आना पड़े। इसके लिए एकल ग्रामोत्थान कार्य शुरू किया है। आज पूरे देश में 25 जगह अपने सेंटर बने हुए हैं, उसके लिए सब जगह कोशिश हो रही है, लेकिन रास्ता लंबा है। सभी मिलकर कोशिश करेंगे और सभी मीडिया जगत भी इसको प्रचार प्रसार करेंगे, तो हम समुद्र 2047 तक जो मोदी जी ने अपना सपना दिखाया है कि स्वावलंबी भारत को बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और मैं शहर के लोगों से तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जो उद्योगपति हैं, आत्मनिर्भर नहीं भारत पर निर्भर यह होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शहर के लोग कोशिश कर रहे हैं और गाँव के लोग हर काम को हाथ मिले, इसके लिए एकल ग्रामोत्थान बहुत कोशिश कर रहा है। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और जल्दी हमको इसमें सफलता मिलेगी।